sé, pues ha venido tu luz. Hola, ¿cómo estás? Sí, cansado, ¿no? Ya me apetece. ¡Oh, no, mucho! Me llamo Apta Dos, Apta Hans, Apta Subchinta. मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ करने की, कुछ पाने की, अगर सच्चे दिल से हो कुछ करने की, कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। देखिए, मैं आज जो है वो आपको CSR एक्टिविटी के बारे में कुछ बताऊंगा। उसके बाद जो है वो इंडिविजुअल भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो कॉरपोरेट की हो गई। फिर जो है वो ISR भी एक होना चाहिए, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ISR, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत तो बहुत सारी कंपनियां, सारी कंपनियां प्रैक्टिकली करती हैं ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन बहुत सारी कंपनियां करती हैं। मैं तो जिस कंपनी में हूं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नवरत्न कंपनी है, ये तो करती है। मैंने जब से ज्वाइन किया, मैं देखा हर एक चीज जो है वो हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में बहुत कुछ करती है। रोड बनाना, जो गांव वगैरह में रोड नहीं है वहां पे रोड बनाना, जो है वो स्कूल में लड़कियों के लिए बस वगैरह प्रोवाइड करना कि वो अच्छे से जा सके, स्कूल वगैरह में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें डेस्क वगैरह प्रोवाइड करना, टॉयलेट लड़कियों के लिए बनाना, ये सारी चीजें जो है वो करना जो है वो तो मैंने देखा है। बाढ़ वगैरह भी आती है तो कंपनी बढ़ चढ़ के हमारी कंपनी हिस्सा लेती है, उसमें देती है जिस रूप में कर सके। ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ये सब करती है। एम्बुलेंस देना, अभी बहुत सारे, अभी लगभग हमारे 213 से ज्यादा सब स्टेशन ऑल ओवर इंडिया में हैं हमारे, तो सारे सब स्टेशन के लोग जो है सारे सब स्टेशन से ये सारी एक्टिविटी होती है, तो बहुत अच्छा है। अगर इसी तरह सारी कंपनियां अगर करती तो देश जो हमारा है वो कहां पहुंच गया रहता। लेकिन इसमें मैं सारी कंपनियों के लिए ही बोल रहा हूँ, कुछ सुधार की जरूरत है। उसके बाद मैं ISR पे आऊंगा, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी जो पहल भी है वो भी ISR के अंतर्गत ही है। मैं खुद जो है वो जो भी ये कर रहा हूँ, या और भी कुछ बहुत सारी चीजें मैं करता हूँ, इसका वो ISR के अंतर्गत ही है। तो CSR में जो भी कंपनियां कर रही हैं, हमारी कंपनी तो बहुत अग्रणी है और भी बहुत सारी कंपनियां करती हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं बहुत सारी कंपनियों के। एक देखिए ना, ये बिल गेट्स वगैरह, वारेन बफेट, कितना ये लोग दान करते हैं, सोचिए सोचिए नहीं, दान दाता में भी ये क्या नंबर वन है हर चीज में ये लोग, बहुत। और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग करते हैं, लेकिन क्या है सोशल जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की जरूरत है, जो मुझे लगता है, जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो हर चीज सही हो, लेकिन मुझे जो लगता है उनको जो है वो हर कंपनियों को सबसे पहले, देखिए आप किसी को पैसा दे से मदद कर रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर से मदद कर रहे हैं या ड्रिंकिंग वाटर अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब तो जरूरी है ही, मैं नहीं बोल रहा नहीं जरूरी है, लेकिन सबसे जो जरूरी चीज है ना, एजुकेशन के भी फील्ड में, एजुकेशन में बहुत सारी कंपनियां कर रहे हैं, एजुकेशन में के भी फील्ड में मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है बच्चों को। अंडर प्रिविलेज ऐसे या गरीब लोग, गरीब लोगों के बच्चे ऐसे ऐसे हैं ना, उनको सही दिशा ही नहीं मिल पाती। आप उनको 10 दिन का, 20 दिन का, 100 दिन का खाना या कुछ नॉर्मल चीजें प्रोवाइड कर देने से उनके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा।
एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत अलग अलग मोटिवेटर हायर करके, वैसे तो इंडिया में काफी कम है इनकी संख्या, फॉरेन में बहुत ज्यादा है, फिर भी यहाँ लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना, उनमें अपना जो हिडन पोटेंशियल है उनको जगाने की कोशिश करना। देखिए, हर मानव महामानव बन सकता है, नर में नारायण बनने की क्षमता है, हर आदमी सेलिब्रिटी बन सकता है। ऐसा मैं सोचता हूं कि हर आदमी सेलिब्रिटी बन सकता है अलग अलग फील्ड का। और गरीब से भी लोग आते आते देखिए चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए मोदी, नरेंद्र मोदी। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ, उनके जैसा नेता पूरी दुनिया में कोई नहीं है। देखिए, हम क्या है ना, हमारी आदत है जीते जी हम किसी का दिल से तारीफ नहीं करते। सामने कोई अच्छा भी व्यक्ति हो तो हम सोचते हैं कि हम उसका तारीफ करेंगे, वो बड़ा नहीं हो जाएगा। एक फेसबुक में लाइक करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं कि हम जो है वो हम करेंगे लाइक जो है वो। अरे, आपका क्या जा रहा है, आप खुद बड़े हो गए। किसी का तारीफ करने से क्या, अगर आपको लगता है कोई तारीफ का पात्र है तो उसको दिल खोल के करना चाहिए, ये उस व्यक्ति के लिए नहीं आपके लिए ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ तो ये प्रथा है कि जैसे लोग कितने भी अच्छे लोग हों, मरने के बाद उनको भले देवता बना के पूजेंगे, जीते जी उनकी तारीफ नहीं करेंगे। वो बंदा एक 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 दिन के लिए भी छुट्टी नहीं लेता, रात दिन देश सेवा में लगा हुआ है, ऐसे लोग क्या मिलेंगे। जाने के बाद लोग रोएंगे, मैं एक बात बोलता हूँ, जाने के बाद रोएंगे लोग जिनको भी देश की चिंता हो गया, और जिनको देशी की चिंता नहीं उनको क्या। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत कंपनियों को सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनमें कॉन्फिडेंस का अभाव है, जो सही एजुकेशन का अभाव है, केवल सही एजुकेशन कॉन्फिडेंस देता है, ये सबसे जरूरी है। देखिए, अगर सही चीज शिक्षा, सही जानकारी, शिक्षा मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो तो बहुत लोग हैं, बहुत टीचर हैं, अनगिनत दे रहे हैं, लेकिन उनको उनकी शक्ति से अवगत कराए ऐसी शिक्षा उनके लिए आवश्यक है, उनको देना। फिर वो क्या नहीं कर सकते हैं बोलो, उनको वो शिक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण है और वो कर सकते हैं। देखिए, ऐसा अगर होता तो क्या कोई बुरहानबानी होता, कोई आतंकवादी बनता, कोई नक्सलवादी नहीं बनता, कोई चोर लुटेरे भ्रष्टा, सब चीजों की जड़ यही है कि वो सही से कोई उनको जागरूक नहीं कर पाया, वो खुद उनको अज्ञानता है, ज्ञान का अभाव है, जानकारी का अभाव है, इसलिए जो है वो ये सब अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि उनको जानकारी अभाव नहीं है। कोई भी आदमी अगर खुद से प्रेम करेगा तो गलत काम कर ही नहीं सकता। सही अगर उसको ज्ञान है अध्यात्म की, मैं हमेशा अध्यात्म इसलिए बोलता हूं, अध्यात्म सही चीज है, अपने आप से परिचय करवाती है। तो कोई भी आदमी अगर दिल से अपने आप से भौतिक चीजों से जो प्रेम करेगा वो तो गलत कर सकता है, भ्रष्टाचार कर सकता है, हर एक चीज कर सकता है, गलत काम अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। भौतिक चीजों से प्रेम करने वाले लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन स्वयं से प्रेम करने वाले लोग कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। अनजाने में कर दें अलग बात है, जानबूझ के वो गलत नहीं कर सकते। तो वो उस चीज उनको बताना कि कंपनियां अगर करें, बाकी सब चीजों में थोड़ा कम भी रह जाए, रोड कम भी बने चलेगा, लेकिन उनको अलग अलग मोटिवेटर हायर करके ज्यादातर लोगों को मोटिवेट करना, सही जानकारी देना। अब देखिए, रोल ऑफ मोटिवेटर क्या है। चंद्रगुप्त का आप नाम सुने होंगे, वो एक साधारण लड़का, कोई ठीक है, उनमें सीखने की या जो भी करने की जो भी थी, और सबको क्यों नहीं चुने, ये क्वेश्चन उठ सकता है चाणक्य ने, लेकिन आप ये जरूर मानेंगे कि अगर चंद्रगुप्त को चाणक्य नहीं मिलते तो चंद्रगुप्त ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे, नहीं ना, बहुत कुछ क्या कर सकते थे, नहीं ना। तो ये रोल है एक मोटिवेटर का, गुरु, असली गुरु मैं बोल रहा हूं, वो एक आदमी को इतना बना सकता है कि वो पूरा परिवर्तन कर डाले समाज में। तो सबका अगर परिवर्तन, सबको अगर मोटिवेट किया जाएगा तो वो क्या क्या नहीं कर सकता है। सब मेरे नजर में तो सब, हर आदमी में अलग अलग फील्ड में चंद्रगुप्त बनने की क्षमता है, कोई कम नहीं होता, अलग अलग टैलेंट होता है, कोई कुछ अलग कर सकता है, कोई अच्छा टीचिंग कर सकता है,
कोई इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छा हो सकता है, कोई डॉक्टर अच्छा बन सकता है, कोई सिंगर अच्छा बन सकता है, कोई पोएट्री अच्छा कर सकता है। मैं हमेशा से मानता आ रहा हूं कि हर एक व्यक्ति शिखर पे पहुंच सकता है अलग अलग फील्ड। अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो सीधा सा कारण है वो अपने टैलेंट से दूसरी दिशा में पहचान ही नहीं पाते, तो वो करवाए कोई, जो थोड़े अच्छे भी लड़के हैं उनको भी उनके टैलेंट से परिचय करवाना मोटिवेटर का काम है। और जो अंडर प्रिविलेज लड़के हैं, जो गरीब हैं, जो जिनको जिनके पास तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है एक सुविधा धीरे धीरे, ठीक है ये कहा जाता है भूखे भजन न हो ही गोपाला, लेला अपन कंठी माला, अलग चीज है। बिना खाना खाए बिना भोजन किए तो कोई मोटिवेट होगा नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ये मोटिवेशन की बहुत जरूरी है। वो कितना भी मेहनत करके खाने का इंतजाम वो लोग कर लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान की सही कहाँ से वो प्राप्त करें। तो ये कंपनियां अगर ये शुरू करें तो वो सही से वो जो है वो मोटिवेट हो सकते हैं, और इसके द्वारा कंपनियों में भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, उनका जो है वो प्रचार भी होगा, उनका शेयर की भी वैल्यू बड़ी होगी, और कंपनी के प्रति जो प्रेम है वो भी बढ़ेगा, और कंपनी के विभिन्न कार्यों में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं समाज के लोगों द्वारा वो भी मेरे को लगता है कि धीरे 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 कम होगा। अब और आप किसी से दिल से जुड़ोगे, दिल से उसकी सेवा करोगे, उस भाव से करोगे, तो निश्चित रूप से उसका रिटर्न आपको मिलेगा, मिलता है, खुशी के रूप में भी मिलेगा, समाज भी आप योगदान देगा, डिस्टर्बेंस कम से कम क्रिएट करेगा। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फील्ड में मैं ये सोचता हूँ कि अलग अलग कैंप करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अच्छे अच्छे मोटिवेटर को बुला के उनको जो है वो उनकी अपनी शक्तियों से परिचय कराया जाए। फिर वो देखिए, किसी को अगर कुछ देना है ना, सही ज्ञान देना सबसे आवश्यक है। क्या है, आप किसी भूखे को एक दिन मछली मार के दे देंगे तो उसका एक दिन का तो पेट भर जाएगा, लेकिन बाकी दिन का क्या होगा? उसको मछली मारना सिखा दीजिए। मछली अगर मारना सिखा देंगे हर दिन वो अपना पेट खुद ही भर लेगा, तो जरूरी क्या है, मछली देना या मछली मार के मारना सिखा देना? अगर मारना मछली सिखा देंगे वो जीवन भर अपना पेट भरता रहेगा, अगर उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप कर देंगे तो वो खुद ही अपना जो है वो स्वाभिमान सम्मान का विकास हो जाएगा। उसमें क्या करना है, केवल उसमें उसको उसमें सम्मान का विकास करना है। क्या है, सम्मान की जरूरत सबको है, हर इंसान को है, समझता नहीं आदमी, शुरू से नहीं समझा है। तो लोग सोचे कि ब्राह्मण को सम्मान की जरूरत है, शूद्र को नहीं है, गलत धारणा। सम्मान की जरूरत शूद्र को भी उतनी ही है जितना कि ब्राह्मण को है, चेयरमैन को भी उतनी ही सम्मान की जरूरत है जितनी की जो एक नीचे पद पे कार्य करने वाला एक लेबर। सम्मान की जरूरत सबको है और बराबर है, पद का सम्मान आवश्यक है, क्योंकि कार्य नहीं हो सकता अगर प्रधानमंत्री का हम सम्मान नहीं करेंगे देश कैसे चलेगा। हर पद पे प्रतिष्ठित लोगों को सम्मान देना बहुत आवश्यक है, लेकिन लेकिन सम्मान का अधिकार सबको है। और ये मैं बता दूं, नो वन कैन मेक यू फील इनफीरियर विदाउट योर परमिशन। कोई भी आदमी आपकी इजाजत के बगैर आपको छोटा नहीं दिखा सकता। आप अपने आप को छोटा क्यों मानते हो? पद का सम्मान करिए, लेकिन अपने आप का भी सम्मान करिए। अगर कहीं से कोई नहीं दे रहा है, वही तो समझने की जरूरत है, सम्मान की जरूरत सबको है। नीचे के लोगों को ऊपर के लोगों को सम्मान देना चाहिए, और ऊपर के लोगों को भी नीचे के लोगों को सम्मान देना चाहिए। अगर कोई नीचे का अधिकारी या कोई आदमी काम नहीं करता तो उसको आप लेटर के थ्रू जो है उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आप जो भी अधिकार आपको दिए उसका संपालन करिए। दिल पे ठेस पहुंचाने का आपका अधिकार, आपकी सीमाएं नहीं है। आप हर आदमी को अपना अधिकार, अपनी सीमा पता होना चाहिए, मेरे क्या अधिकार है, मेरी क्या सीमाएं हैं। किसी के भी, प्रधानमंत्री के भी अधिकार में ये नहीं आता कि एक आम आदमी का दिल दुखाए। एक आम आदमी का सम्मान से खेलने का अधिकार किसी को नहीं मिला। पढ़ना चाहिए आदमी को, जानना चाहिए वो कहां तक पद तक पहुंच जाता है आदमी, लेकिन ये छोटी सी बात समझ नहीं आती कि सम्मान से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। दंड देने का आपको अधिकार है, जो कि कोई कर रहा है तो उसका प्रोसीजर आप करिए। सम्मान से किसी के मत खेलिए।
लेटर द्वारा उसको, यहां तक कि आप सस्पेंड भी कर दीजिए, इट डज नॉट मैटर, बट आप सम्मान हर व्यक्ति का होना चाहिए। शुरू से ये अपने स्वार्थ में लोग अपने अनुसार नियम बदल लेते हैं और लोग भी सहने वाले हैं, सहते हैं, भाई नौकरी से निकल जाएंगे क्या होगा, अरे क्या हो जाएगा, आप नौकरी से निकल जाओगे, सम्मान से समझौता मत करिए। सम्मान से समझौता करने के बाद आप पूरा नहीं सकते, अपना व्यक्तिगत सम्मान बहुत आवश्यक है। तो CSR में मैं बता रहा था कंपनियों में को ये इस दिशा में भी कार्य करना चाहिए। तो क्या केवल कंपनियों को करना चाहिए, हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ISR के अंतर्गत इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोई ये एहसान नहीं है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सब चीज तो समाज के द्वारा ही हमको मिला है, कहां से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, कहां से हमको कुछ भी मिला, किसके किसी सम्मानित पद पे हैं तो लोगों द्वारा ही तो है, सबका सहयोग। की कोई बड़ा बड़ा हीरो बन जाता है, कोई पिक्चर ही ना देखे तो क्या है, कुछ नहीं है, सबका योगदान है ना, सब लोग उसकी मूवी देखते हैं तो वो बड़ा ज्यादा कमा पाता है, सबका योगदान है ना उसमें, है कि कोई भी आदमी बड़ा नहीं बन सकता बिना सहयोग के, किसी अकेले कोई कुछ क्या कर सकता है। हमारा ऋण है, समाज का ऋण है, माँ बाप का ऋण है, देश का ऋण है हमारे ऊपर, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि रिटर्न में हम भी जो है कुछ दें। तो ISR के अंतर्गत हमको भी कुछ करना चाहिए। अब देखिए, कोई भी कामयाब आदमी है तो अनजाने में भी, अनजाने तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो टैक्स के रूप में सरकार उसका बहुत सारा पैसा काट लेती है, वो देश सेवा में ही जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन वो आपको भाव नहीं होता, होता है क्या, नहीं, क्योंकि आपको लगता है वो तो कंपलसरी कोई काट लेता है जबरदस्ती, चाहे जो भी बोलिए, या आप अपने स्वेच्छा से ही देते हो जो भी, लेकिन वो अभाव नहीं होता है। उससे भी बढ़ के हम कर सकते हैं, बहुत लोग 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, संडे को ही, जब भी हम खाली हो, देश किसी भी जहां कहीं भी हो वहीं से शुरू कर सकते हैं। एक भावना होनी चाहिए लोगों का कुछ करने का, बिना किसी स्वार्थ के। ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, पैसा तो मिल ही रहा है, हम डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, तो मिल रहा है ना, तो हम अपने समय का कुछ भी कर सकते हैं, कर रहे हैं लोग, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना वो जो भी गरीब बस्ती के बच्चे हैं उनको बुला बुला के अपने घर में पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग, बिना मीडिया का तो ध्यान ही नहीं जाता, क्या है मीडिया बहुत, अगर चाहे मीडिया तो देश को बदलने में समय ही नहीं लगेगा, धीरे धीरे बदल रहा है, मजबूरी में ही सही करना पड़ रहा है, कुछ अच्छे भी मीडिया के लोग हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा, लेकिन जितना चाहिए क्या करें, उनको भी कुछ होगा, लेकिन करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को दिखाएं, दिखाते हैं लेकिन बहुत कम, जितना चाहिए उतना तो नहीं दिखाते, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अभी देखें, हमारे साथ भी एक हैं जो है वो डिप्टी मैनेजर हैं, प्रणव कुमार साहू नाम है उनका, तो हर उनको टैलेंट है कि ऑनलाइन शॉपिंग के क्षेत्र में वो अच्छा है, वो बहुत अच्छे से करते हैं, वही चीज हम बाजार से खरीदें तो थोड़ा महंगा पड़ता है, ऑनलाइन खरीदने पे सस्ता पड़ता है, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं वो करते हैं, लेकिन वो जूनियर का भी, हर व्यक्ति का भी, सीनियर का भी, जूनियर का भी, अपने तरह के भी लोगों का, हर व्यक्ति का, पूरी कॉलोनी का, जो जो लोग ट्रांसफर हो गए उनका भी, मेरे व्यक्तिगत मेरे का भी, मैं भी जूनियर ही हूं उनका, मेरे व्यक्तिगत भी, मेरे को 20-25 हजार से कम का फायदा इंडिविजुअल नहीं होगा, हुआ होगा, जबकि मैं बहुत ज्यादा चीजें ऑनलाइन नहीं मंगवाता, बाकी हर इंडिविजुअल के जीवन में 20-25-30 हजार का फायदा तो वो करवाए ही होंगे, भले किसी व्यक्ति के मन में उनके प्रति कितना एहसान हो नहीं हो अलग बात है, और उसका वो ध्यान भी नहीं रखते, खुले भाव से जो है वो करते हैं सबके प्रति, जो कोई भी ऑर्डर करना, यहाँ तक कि मंगवा भी देना, मंगवा के यहाँ तक कि घर भी दे देना, आप बताइए कौन इस पद पे पहुंचने के बाद तो ईगो लेवल बहुत बढ़ जाता है आदमी को, वो अपने से ऊपर लोगों के लिए तो नम्र है आदमी हो जाता है, वो अपने से ऊपर आदमी का हर काम वो करेगा, करना भी चाहिए, इसमें बुरा नहीं है, लेकिन नीचे के लोगों के प्रति वो एक अपने समय का 10% एक दो घंटा नहीं दे सकता, वो देगा ही नहीं, वो लोग वो सोचेगा मेरे को क्या फायदा है, तो नहीं करते, बहुत कम लोग ऐसे हैं, लेकिन उस इंसान को मैंने देखा है और देख रहा हूं, साथ ही रहते हैं, क्या है ना, ऐसे लोग आसपास भी ढूंढने पे बहुत मिल जाते हैं, और भी लोग हैं, महेंद्र नाम का भी एक
टेक्नीशियन है, हम लोग के साथ में वो काम करते हैं। तो हर कार्यक्रम में जो भी, जब भी पार्टी हो, जब भी कुछ हो, जब भी कुछ प्रोग्राम हो, सबको खिलाने पिलाने में इतना उस आदमी को आनंद आता है कि पूरा का पूरा साथ देता है सब कुछ, जितना अपना समय का सोचता ही नहीं है बेचारा। दिन रात जो है वो शॉपिंग करने से लेकर खाना बनवाने से लेकर खुद ही खाना बनाना बनवाने में सहयोग करना और खिलाने तक भी वो आदमी करता है। तो इसी तरह से ऐसे जहां कहीं भी हैं, हम थोड़ा भी समाज को योगदान देने से कितनी खूबसूरती बढ़ जाती है। शुरू से ही मेरा भी ये ध्यान था, पहले भी प्राइवेट फर्म में भी जब काम करता था तो साइट पे जब काम नहीं होता था तो मैं सीनियर से थोड़ा रिक्वेस्ट करता था कि अगर आदेश हो तो मैं पास के स्कूल में जाके कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और ये सारे पढ़ाने वाले बहुत टीचर होते हैं, लेकिन सारे स्कूलों में मैं बोल रहा हूँ एक मोटिवेटर की जरूरत है। हर सब एक दो सब्जेक्ट कम पढ़ेगा ना कुछ बुरा नहीं होगा, अनावश्यक सब्जेक्ट अनावश्यक चीजें तो सबको पढ़नी पड़ रही है, लेकिन मोटिवेटर की एक जरूरत हर जगह है। मोटिवेटर का काम क्या है? आपको आपकी शक्ति से परिचित कराना, आपको आप खुशी में वृद्धि करना, यही काम है मोटिवेटर का। तो उसकी कमी है, इसलिए देखने पढ़ लिखने के बाद भी लड़के रोते रहते हैं नौकरी नहीं लगी, ये है वो है, ये सारी समस्याएं मोटिवेटर खत्म कर सकता है। नौकरी की कमी नहीं है, अपनी खुद मालिक बनिए, नौकरी दीजिए, छोटे लेवल पे कर सकते हैं, सब कुछ भी कर सकते हैं, सब्जी बेच, क्या काम कोई छोटा होता है? क्या कोई काम छोटा नहीं है? सब्जी बेचना कोई खराब काम है? चाय बेचना कोई खराब काम है? दुकान करना, बिजनेस करना, कुछ करना खराब? धीरे धीरे ही करके लोग कामयाब होकर बहुत बड़ा हो जाते हैं। तो रिक्वेस्ट करता था, कुछ काम नहीं रहता था, सीनियर लोग भी अच्छे थे, बोलते ठीक है भाई कोई काम ही नहीं क्या करना, जाओ पढ़ा लो। और पता नहीं क्यों जहां भी स्कूल में जाता था पहली बार, वो लोग जानते भी कई जगह नहीं होते थे, फिर भी पता नहीं ईश्वरीय कुछ कृपा रही होगी होगी जो भी तुरंत एक्सेप्ट कर, हाँ हाँ पढ़ाइए ना, मैं सबको इकट्ठा कर देता हूँ। और फिर मैं कभी नहीं सोचता था वो मेरे से ज्यादा लोग पढ़े हैं, मेरे से कम पढ़े हैं, क्या है जो मेरे भावना आपको अगर रहेगी ना कि मेरे को किस भाव से किसी को देना है, तो हर चीज का तो उनको नहीं जानकारी है ना, बहुत सारी चीजों का स्कूलों में जो है मोटिवेशन का बहुत अभाव। तो जो भी मेरे को पता रहता था उनकी शक्तियों से जितना परिचित करा सकता था, वैसे स्टार्टिंग में मैं तो सब्जेक्ट ही पढ़ाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाता था, और बाद में बहुत दिनों तक इंग्लिश भी पढ़ाया। फिर मैं सोचा कि मछली मार के देने से ज्यादा अच्छा नहीं है, फिर मैं मोटिवेशन के फील्ड में थोड़ा बहुत कोशिश करने लगा, फिर कोशिश करूंगा अगर एक आदमी भी जाग गया तो मेरा जो है वो कामयाब हो जाएगा बोलना पढ़ाना, क्योंकि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के और इंग्लिश के टीचर, हर सब्जेक्ट के टीचर तो भरे पड़े हैं, बहुयायत है। लेकिन मैं तो टीचरों से भी बोलता हूँ जो भी अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं, पांच मिनट ही, दो मिनट ही अपने घंटी से अगर उन बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाए तो बच्चा और सही जानकारी दे पाए अलग अलग चीजों की। अध्यात्म हर स्कूल में कंपल्सरी होना चाहिए, योगा अध्यात्म ये हर स्कूल में कंपल्सरी होना चाहिए। तो मैं भी करता था, कर भी रहा हूं, ये अभी जो है समय नहीं ज्यादा मिल पाता, कंपनी के भी बिजी शेड्यूल है, ड्यूटी लगातार लगा रहता है, इतने समय नहीं मिलते, दिन सुबह से शाम तक ड्यूटी है, अब रात में कहां आदमी जाएगा। फिर भी छुट्टियों में या जब भी जाता हूं, जहां भी गांव में कहीं भी जो भी लोग मिलते हैं, जब भी मिलते हैं कोशिश करता हूं, कभी ये भावना नहीं रहती लोग क्या सोचते हैं, क्या जिनको चाहिए उनको मिल जाता है, और जो खुद ही परम ज्ञानी है या अपने आप को मानते हैं तो उनसे कोई वो नहीं है, मेरा उनके प्रति भी मेरा उतना ही सम्मान है, आदर है, प्रेम है, कोई इस भावना से नहीं मैं कुछ बताता कि जो पहले से ज्ञानी लोग हैं वो भी सुने, ये तो उनके लिए लोग उनके लिए है जिनको की आवश्यक है इस चीज का। तो ISR के अंतर्गत हर एक आदमी क्या है ना, जितने भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अलग अलग बिजनेस में MBA लोग हैं, वो अपने समय का एक घंटा 10 मिनट भी महीने में भी एक घंटा अगर दे दें, अपने अनुभव सुनाएं, जानकारी दें, अगर उनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, अपने द्वारा जो कैसे जॉब पा पाए उनको वो चीज बताएं, यहां तक कि टेक्निकल भी बता सकते हैं। वो देखिए टेक्निकल स्कूल के टीचर से ज्यादा जो है वो इंजीनियर को जानकारी होती है, वो फील्ड पे काम करता है, वो टेक्नोलॉजी को और अच्छे से देखता है, वो खुद काम करता है, जानता है, वो ज्यादा अच्छे से बता सकता है।
किताबें भी बहुत सारी स्कूलों में मैं देखा हूँ चेंज ही नहीं होती, बहुत सालों तक वही चलती रहती है। अगर आपका सिलेबस हर साल चेंज नहीं होता, हर साल मैं बोल रहा हूँ कम से कम हर साल, क्योंकि एग्जाम देना रहता है, हर साल दो साल में अगर सिलेबस चेंज नहीं होता तो लड़के अपडेटेड नहीं रह सकते, तो कहां से। और टीचर जो है वो खुद, अगर टीचर टीचर खुद कंपनियों में नहीं जाते, सीखते नहीं है, तो टीचर भी कहां से अच्छा से सिखा पाएंगे, नहीं जानकारी दे पाएंगे, ये अभाव है। तो वो कमी पूरी हो पाएगी जब वो खुद डॉक्टर, खुद इंजीनियर, खुद जो MBA, जो भी जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कंपनियों में उच्च पदों पर आसीन है, उनको ज्ञान सही प्रैक्टिकल है, उनको ज्ञान थ्योरेटिकल ज्ञान प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है, तो वो तो टीचर करा रहे हैं। या तो टीचर जो है कंपनियों में आके कुछ जो है वो ऐसी सरकार स्कीम निकाले कि टीचर को जो है वो हर साल 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना अच्छी अच्छी कंपनियों में जाके ट्रेनिंग लेने का अवसर मिले, वो अवसर इच्छुक हो ले तो न्याय कर पाएंगे अपने ज्ञान से। अन्यथा कम से कम ISR के अंतर्गत हर इंडिविजुअल जो भी जिस फील्ड में काम कर रहा है वो जाके अलग अलग स्कूलों में, और अगर स्कूलों से भी ज्यादा जो है वो झुग्गी झोपड़ी बच्चों को भी जाके कुछ अपना समय करे, इससे उसका कुछ जाएगा नहीं, बढ़ेगा। आत्मसंतुष्टि का जो भाव सेवा में मिलता है ना, जो खुशी सेवा में मिलता है ना, वो 10 बिल्डिंग होने पर भी नहीं मिलेगा, कार गाड़ियों ऐसा नहीं। मेरा भी भौतिक सुख सुविधाएं ईश्वर ने ठीक ही ठाक हो गया, तो अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूं, जो आनंद मेरे को सेवा में मिलता है वो किसी भौतिक सुख सुविधा में नहीं मिलता। जो आनंद मेरे को सेवा में मिलता है, अब मुझसे तो बहुत लोग, एक से एक बढ़ के बहुत ज्यादा लोग हैं, कर रहे हैं अपने स्तर से, लेकिन थोड़ा और करने की जरूरत है, उनको लिए भी करना जिनसे कुछ ना मिला। जनरली आदमी उनको ही करना चाहता है जिनसे बदले में हमको कुछ मिले, तो वो भाव नहीं आएगा, तो इसलिए उनको भी करना जरूरी है जो कि बदले में हमको कुछ नहीं दे सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो अपने एहसास देने का जो होता है या होगा उसका पैसा कीमत नहीं है, तो वो हमको जो है वो करने की जरूरत है। ISR के अंतर्गत किसानों में हम डेवलप कर सकते हैं उनका कॉन्फिडेंस। किसान देखिए ना, सब पूरे देश को अन्न देता है, लेकिन वो अपने को दीनहीन समझता रहता है। अरे भाई आप मालिक हो, आप कंपनी, क्या कंपनी में कोई प्रोडक्ट ही तो बनता है या कोई सर्विस दे रही है कंपनी, और क्या कर रही है आप, तो पूरा आप भी तो एक कंपनी के मालिक हो, हा? आप तो खुद ही जो है वो खेत में जो है वो आप अन्न का उपार्जन करते हो, आपके द्वारा लोगों का पेट भरता है, आप भी तो एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आप क्यों निराश होते हो, सही तरीके से करो, आज नहीं तो कल धीरे धीरे तो मूल्य मिलेगा, कभी तो देश को समझ में आएगा सैनिक और किसान का मूल्य क्या है, कभी तो समझ में आएगा कि एक गुरु का मूल्य क्या है, कभी तो देश को समझ में आएगा कि सही जो है वो सोशल वर्कर का मूल्य क्या है, कभी तो समझ में आएगा, अभी तो लोगों को समझ में नहीं आता। मैं देखता हूं जो किसान को सम्मान मिलना चाहिए देश द्वारा, जो मूल्य मिलना चाहिए नहीं मिलता, जो एक सैनिक को सम्मान जो सैलरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता। अरे किस तरह से अधिकारी है, एक इंजीनियर डॉक्टर एक सैनिक से ज्यादा सैलरी की, मैं खुद एक इंजीनियर हूं फिर भी मैं बोल रहा हूं किस तरह से अधिकारी है, देती है कंपनियां, दे रहे हैं सरकार। मैं विरोध इसलिए करता हूं कि जिसको जो जो सम्मान का अधिकारी है वो मिलना चाहिए उसको, तभी देश का विकास होगा, अन्यथा इसी हालत चलती रहेगी अर्थव्यवस्था में। हो सकता है आगे चला जाए, देश की विकास केवल अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के आधार पर नहीं होता, संतुष्टि के आधार आवश्यक है। देश के लोग कितने संतुष्ट हैं, आर्थिक आधार में पिछड़ भी गए तो क्या हुआ, संतुष्टि के ग्राफ में पिछड़ना नहीं चाहिए, संतुष्टि के ग्राफ में सब लोग खुश रहने चाहिए। अगर लोग खुश हैं तो अच्छा है, जरूरत पूरा होने के साथ साथ ये भी आवश्यक है। सम्मान मिलेगा ना तो वो किसान और भी बहुत कुछ करेगा, सैनिक को सम्मान मिलेगा ना और सही से कर ही रहा है, और भी आनंद से अपनी ड्यूटी करेगा, निर्वहन करेगा। चलिए ये तो थोड़ी गंभीर बातें हुई, कुछ जो है वो आनंद के लिए चुटकिला भी होते रहना चाहिए। जो है चुटकिले में सुनिए, कल आपको एक कंजूस आदमी की कहानी बताया, नभ की और जल की बताया, उसी में पूरा वो पूरा नहीं हुआ था, पूरा ही सुनिए। नभ वाला तो सुन रहे थे कि वो 14वीं मंजिल से गिर रहा था, तो गिरते गिरते भी अपने खिड़की से
अपनी पत्नी को आवाज देता है कि भाई आज का खाना मेरे को मत बनाना आज रात का, क्योंकि उसको पता होता है कि 14वीं मंजिल से गिरूंगा तो बचूंगा नहीं, खाना बेकार चला जाएगा, मेरा धन बेकार चला जाएगा। इस तरह भी देखिए लोग कितना पैसे से वो कैसे कैसे पैसा जो है वो बचाते हैं, लेकिन वो आदमी फिर भी बच जाता है। फिर दवा वगैरह, फिर वही आदमी एक बार नाव में जाता है, तो नाव में जाने के बाद यहाँ तक तो सुने थे कि जो है वो नाव डूबने वाली होती है, तो वो जो है वो आदमी फिर भी हंस रहा होता है, सारे लोग रो रहे होते हैं लेकिन वो हंस रहा होता है। लोग पूछते हैं क्यों भाई हंस रहे हो तुम, बोलता है रिटर्न टिकट मैंने नहीं लिया है, मेरा पैसा रिटर्न का बच गया, नहीं तो साला डूब जाता। इतना आदमी वो सोचता है धन के बारे में। सोचिए लोगों को भौतिक चीजों से कितना प्रेम है, कितना होना चाहिए, जरूरत के लिए धन आवश्यक है, बीमारी में भी वही काम आएगा, लेकिन और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो कि इसीलिए तो देखिए ना, धन प्राप्त करने के बाद ही बहुत लोग दुखी रह जाते। तो देखिए तो उस आदमी की कहानी नभ की हो गई, आकाश की हो गई, आकाश से गिर रहा था, मतलब 14वीं मंजिल वही पानी का भी हो गया। अब वही आदमी जो है उसका थल का सुनिए, वही आदमी उसी आदमी के हाथ से जो है वो वहां से भी बच गया नदी से भी। तो उसी आदमी का जो है वो एक दिन डेटॉल का शीशी ही काम कर रहा था तो फूट गई। अब बताइए, अब उस आदमी ने सोचा कि सारा मेरा डेटॉल खराब हो जाएगा। अब तुरंत जो है उसने हाथ काटा अपना, तुरंत जो है वो, अब देखिए हाथ की चिंता नहीं है उसको, अपने आप की चिंता नहीं है, और वो डेटॉल का बर्बाद ना हो। अब जो है हाथ काटा फिर डेटॉल लगाया, फिर भी देखा कि कुछ बर्बाद हो जाएगा, दौड़ के जो है वो पत्नी के भी पास गया कि दे तुम्हारा भी हाथ काट के लगा देता हूँ जो है वो डेटॉल, ऐसा करके पत्नी ने फिर डांट के उसको भगाया। फिर जो है वो धीरे धीरे जो है उसी से नहाया धोया यूज किया, ऐसा आदमी जो है वो बताइए। अब यहां तक तो ठीक था। वही कंजूस आदमी को क्या हुआ कि एक बार एक बहुत दानी आदमी, बहुत बड़ा आदमी को एक प्यार खून की जरूरत पड़ी, ब्लड की जरूरत, उस ब्लड ग्रुप का शायद वो निगेटिव रहा होगा, तो बिरला ये ग्रुप है मिलता नहीं है जल्दी। तो उस आदमी ने, इस कंजूस आदमी ने उसको खून दिया। जब वो ठीक हुआ तो उसने मर्सिडीज गिफ्ट कर दी, ले भाई तुमने मेरी जान बचाई, मेरी जान की कीमत तो 100 मर्सिडीज, बहुत की बराबर ले जा तू। अब तो एकदम गदगद, एकदम बहुत खुश हुआ। कुछ सालों बाद फिर उस आदमी को एक्सीडेंट हुआ, खून की जरूरत पड़ी। अब जैसे इसको पता चला, भागता भागता गया कि कोई और ना दे, अब दूसरे मर्सिडीज का काम हो गया। जैसे वहां पे गया फिर वो उसने जो है वो ब्लड दिया, तो दोबारा उस आदमी ने उसको 1 kg लड्डू दिया। अब एकदम क्रोध से लाल हो गया, अरे पिछली बार तो आपने मर्सिडीज दिया था, हाँ इस बार आपने 1 kg लड्डू दे के ही विदा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बोले पिछली बार मेरा खून था, दाता का खून था, मैं जीवन भर सेवा करते आया था, वही खून था। जब से तुमने खून मेरे को दिया है तब से मेरे को भी देखो, ऐसे ही मैं मर्सिडीज दे दूंगा तुमको खून के बदले, ज्यादा से ज्यादा अपने खून की कीमत ले और जा, है? अब खून मेरे को भी तेरा आ गया है, कंजूस का खून आ गया है, तो मैं ऐसे अब खर्च नहीं करता, बहुत संभल के खर्च करता हूं। तो देखिए किस तरह से जो है वो, ये तो हंसने के लिए है, आनंद आवश्यक है, परम आनंद हर तरह से जो है वो आवश्यक है, आनंदित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और अभी अभी देखिए, ज्यादा नहीं 10-5 मिनट और सुनिए, फिर पढ़ा हो क्या है, अभी अभी दुर्गा पूजा बीता है, तो दुर्गा पूजा के दौरान जितने भी नॉनवेज खाने वाले लोग हैं बहुत परेशान, रोज गिन रहे थे आज जो है वो एक दिन दो दिन चतुर्थी तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी ऐसे करके जो है वो सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं, उसके बाद अब तो मेरे को खाने का मिलेगा।
नवरात्रि के जितने दिन तक जय माँ दुर्गे जय माँ दुर्गे जय माँ दुर्गा जय माँ दुर्गा जय माँ दुर्गा, फिर दसवीं के बाद जय मुर्गा जय मुर्गा जय मुर्गा। ये भगवान, अरे अगर आपको खाना है तो हमेशा खाइए, और तो और उसके बाद भी कई लोग दिन इस दिन को नहीं खाएंगे इस दिन को खाएंगे, अरे नहीं खाएं तो ज्यादा अच्छा। आदमी देवता का स्वरूप है, ईश्वरीय स्वरूप है, अंदर आत्मा है, आत्मा देवत्व है, देवता है, अंदर क्यों डालना है। अगर कहीं पे खाने का कुछ नहीं हो तो ठीक है खाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर खाने के तमाम चीजें संसार में मौजूद हैं, अगर यहाँ पे जहाँ पे और जिन देशों में नहीं, अगर कुछ जगह अगर नहीं है उपलब्ध जो है वो तो अलग बात है, लेकिन जहाँ उपलब्धता है अच्छे अच्छे चीजों की, वहां क्या जरूरत है, क्या जरूरत है शराब पीने की। ठीक है जहाँ बर्फ में जो लोग काम कर रहे हैं जो सैनिक, उनको मैं नहीं बोलता, या और भी सर्दी के जो जगह है वो ड्रिंक करें कोई दिक्कत नहीं है, जहां आवश्यक हो वो करें कोई दिक्कत नहीं है, नॉनवेज खाएं ड्रिंक करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां चल सकता है वहां तो नहीं करना चाहिए। तो धागा बांधना, धागा से मतलब है कुछ ताबीज बांधना, ये सारी चीजें बंधन देती हैं, ये इसका कोई मूल्य नहीं। अपने बच्चे अपने परिवार के लिए व्रत रहना है, ये सब अब स्वास्थ्य के लिए आदमी व्रत रहता है, व्रत का कोई और रोल नहीं है। एक फायदा ये है कि चलिए आप उस दिन खाना नहीं खाते तो उसी वही खाना जो है वो, चलिए कभी कोई अन्न का तो इतना नहीं है कि वही इसी भाव से था कि जब आप व्रत रहोगे तो वो अन्न कभी किसी और के उपयोग में आएगा, और कोई उपयोग मेरे व्रत रहने से मेरा पुत्र मेरा पत्नी मेरा परिवार या मैं मेरा ईश्वर कल्याण करेंगे, वो भावना ऐसा नहीं है। व्रत रहने से शरीर सही रहता है, अच्छे अच्छे विचार आते हैं और स्वास्थ्य सही रहता है, और फिर भी व्रत में तो और लोग खाते ही पीते हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें खाते हैं। तो व्रत यही है, व्रत करिए, लेकिन व्रत करना अच्छा है आपके शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन इस भाव से करेंगे तो अच्छा है। अपन सही चीज जानकारी जरूरी है, व्रत का आपके शरीर से संबंध है, आप अपने लिए व्रत रखते हैं, ईश्वर के लिए व्रत नहीं। अगर ईश्वर के लिए कुछ करना है ना तो ईश्वर के खेत में कुछ बोइए, ईश्वर का खेत ये समाज है, समाज के भले के लिए कुछ करिए, आईएसआर के लिए करिए। आपके व्रत रहने से ईश्वर को कोई फायदा नहीं, क्या फायदा है बताइए, कि पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। सही संत ड्यूटी टाइम में कभी पूजा नहीं करता, जो उसका कार्य है वो करता है सही। देखिए आप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हमेशा कहते थे, मैं दिन के बाहर जो 12 घंटे मेरे काम के हैं वो कभी मैं पूजा में व्यर्थ नहीं करता। समय में जितने समय आप मेहनत कर सकते हैं अपने लिए समाज के लिए, उसमें मेहनत आवश्यक है, वो सब ईश्वर का काम है। कोई भी कंपनी में कोई भी काम कर रहा है क्या ईश्वर का ही काम कर रहा है, अगर सही रूप से अपना काम कर रहा है वही ईश्वरीय काम है। तो ड्यूटी टाइम में ईश्वर का काम और बाद में ईश्वर का नाम जरूरी है। समाज का काम, आपका जो काम है वो आवश्यक, उस समय में पूजा की ईश्वर कभी नहीं बोलते। आप सो रहे हो, खाली टाइम है, कुछ नहीं है, आप लीजिए पूजा करिए ध्यान करिए जो करना हो आप, ध्यान तो ठीक है आवश्यक है, लेकिन बाकी जो पूजा माला चढ़ाना ये करना वो सारी एक्टिविटी जो है वो श्री राम शर्मा आचार्य भी बोलते थे और वेदों में भी पुराणों में भी ये भी नहीं कहा है ईश्वर ने कि आप अपना काम छोड़ करके मेरी पूजा करिए। अगर मेरी पूजा करनी है तो लोगों की पूजा करिए, नर सेवा ही नारायण सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो ये आवश्यक है। दिन रख रख के अगर खाना ही है मांस तो निश्चिंत खाइए, इसमें दिन का डर कैसा है, इस दिन खा लेंगे मंगलवार को नहीं खाएंगे, ये हनुमान जी का दिन है, अरे दिन सारे महत्वपूर्ण, कोई दिन आपको पता होगा दिन की खोज भारत नहीं हुई, पूरी दुनिया को ये दिन की देन भारत की, आपको पता शायद नहीं होगा, मैं जानकारी आपको दे दूं, दिनों की खोज भी भारत में ही हुई थी, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और रविवार, और संजोग तो देखिए जो ऋषि मुनियों ने खोज किया उससे वो ज्यादा कोई देश आज भी वही है दिन, सारे देशों में यही दिन होते हैं, ये भारत की ही देन है, भारत की और भी बहुत सारी दुनिया को देन सब भारत की ही है, बाद में वो लोग विकास किए, वो लोग अपना महत्व समझे विकास किए, भारत के लोगों ने अपने संस्कृति सभ्यता को भुला दिया, इसलिए जो है वो गर्त में पहुंच रहे हैं, दिक्कतें हैं,
तो इसलिए अगर खाना ही है तो दिन मत रखिए, एकदम फ्री खाइए। और अगर कोई दिक्कत है तो धाप जो है वो कहीं जाके किसी के द्वारा धागा बांधना जरूरी नहीं है। धागा से मतलब कोई जंतर, ताबीज, अनावश्यक चीजें हैं। वो विश्वास अगर है तो आपका विश्वास वो फलीभूत होता है, वो सब कुछ और जो है वो कुछ नहीं करता। निश्चिंत रहिए, आजाद रहिए, आनंदित रहिए, बंधन में ना पड़िए। इन्हीं सब मंगलमयी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपके जीवन में इस वीडियो से कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मेरे भी जीवन में अपने ही वीडियो देख के बहुत सारा सकारात्मक परिवर्तन आता है। आदमी के जीवन में करोड़ों के विचार चलते रहते हैं, अरे भूल जाता है। इस रिकॉर्ड के माध्यम से मैं भी बार बार अपना ही वीडियो देख देख के प्रेरित होता रहता हूँ। और भी बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी जानकारी कम है, वो इसके द्वारा प्रेरित होते रहते हैं, जो दिव्य ज्ञानी है, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। चलिए एक बार और बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार।